होता है हम घर में लड़कियों को तो संस्कार देने की कोशिश करते हैं लेकिन लड़के उछिंकल रह जाते हैं। लेकिन अब ये कोशिश करनी होगी कि लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी हमारी जो भी संस्कृति है उसके बारे में उन्हें बताना चाहिए और हर एक का आदर मान करना सिखाना चाहिए। और दूसरा, मैं तो अमृता जी से कहूँगी कि एक ऐसा कानून लाया जाए जहाँ ऐसे जिन्होंने भी किसी के चेहरे पर एसिड फेंका है उनको बिल्कुल जमानत नहीं होनी चाहिए और आजीवन कारावास होना चाहिए, तब जाकर ये रुकेंगे कहीं कहीं। क्योंकि आप किसी को ज़बरदस्ती प्यार नहीं कर सकते। अक्सर ऐसा होता है कि उसने मुझे पसंद नहीं किया इसलिए उसने उसके ऊपर एसिड फेंक दिया, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कि प्यार तो ये दो दिलों के मिलन का नाम है कि कोई किसी को पसंद करे और नहीं वो ना पसंद करे तो आप एसिड फेंक दो, ये तो कोई बात नहीं हुई है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे जो मैम ने कहा कि जो है आपका इनिशिएटिव था, आपने उनको इस बारे में बताया था, तो क्या सोचा था आपने जब आपने इस बारे में पहली बार आप सोचा था कि इस तरह का इनिशिएटिव लेना चाहिए? 10 सालों से इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता हूँ, तो मैं इवेंट्स वगैरह में ही काफ़ी ऐसे विक्टिम्स से मिला, तो मैंने इसको समझने का कोशिश किया। उसके बाद हमने देखा कि हमारे सोसाइटी में बहुत फिलान्थ्रोपिक लोग भी हैं, बहुत अच्छे एनजीओज भी, कुछ अच्छे एनजीओ हैं जो काम कर रहे हैं, सहायता पहुँचा रहे हैं, सरकार की तरफ से भी हमको कभी कोई फंड या कुछ कोटा मिल जाता है, वेरी गुड। बट इससे आगे बढ़ के जैसे हमारी संस्कृति में एक कहावत है कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म या भगवान उसी की रक्षा करता है जो खुद की रक्षा कर सकता है। तो हम सरकार और एनजीओ से आगे निकल के सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए हम खुद क्या करना चाहते हैं और हम उनको क्या कर सकते हैं। एक नई साल की शुरुआत है, अगर कोई जीवन में सचमुच नया बदलाव लाना चाहता है तो हम उनको स्किल्ड करना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए हम उनको काउंसिल करेंगे और संबंधित लोगों से हम जोड़ेंगे, हम इस तरह के वर्कशॉप रखेंगे और उनको हम तब तक नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि इवेंट हुए और वो चले गए, हम उनसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, बहुत सारे माध्यम से, उनको हम थोड़ा उनके जिंदगी को अच्छे बनाने की कोशिश करें जो सचमुच एक बदलाव चाहते हैं। सर आज का जो इवेंट है उसमें मतलब फंड रेजर कह सकते हैं हम लोग उनके लिए? समाज में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, मुझे जिंदगी में कभी सभी अच्छे लोग ही मिले। मेरी बड़ी बहन है और एम्पल मिशन अनिल मोरारका जी और एक कोठारी साहब हैं और भी बहुत सारे सपोर्टिव फ्रेंड हैं छोटे मोटे, सभी ने कुछ किया। ये एक आदमी का मैनेजमेंट नहीं है, एक बहुत बड़ी टीम है। फिर हमारा केसी कॉलेज का एक यूथ विंग है रोटरी क्लब का, जो बच्चे हेल्प करते हैं किसी अच्छे सोशल काम में, वो टीम भी है। बहुत सारे यहाँ गेस्ट जन है, ये सर हैं, बहुत सारे लोग हैं, अरविंद जी हैं, बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं ले सकता, तो आई एम द फेस बट देयर इज़ अ टीम। हमने इतना अच्छा काम किया तो लोगों को इतना अच्छा लगा, लोग कहाँ कहाँ से आए हैं। प्रियंका सिंह जी हैं जिन्होंने एक फिल्म भी बनाई है, ये रांची से तबीयत खराब होने के बाद आई हैं, इन्होंने भी एक फिल्म बनाई है, इनकी फिल्म 3 दिन पहले रिलीज हुई है, एक तो छपा का ही है उसको तो सब जानते हैं, इन्होंने भी एक बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है जी, और इनका भी बड़ा आशीर्वाद रहा है, इनके बिना कुछ संभव नहीं था। देखिए आपको पता होगा कि एसिड अटैक विक्टिम्स जो महाराष्ट्र के हैं, ड्यूरिंग अभी बीजेपी शिवसेना का जो रिजीम था तब 5 लाख पर विक्टिम्स फॉर ऑपरेशंस एंड ऑल रिहैबिलिटेशन अप्रूव किए गए और हर विक्टिम को इमीडिएटली दिए जाते हैं, पर इतना भी इनफ नहीं होता है। कई डॉक्टर्स हैं जो सामने आते हैं, स्पेशली ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं तो वो आगे आते हैं और वो उनको फ्री में इलाज करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे ही कई एनजीओस उनको, चाहे वो जॉब्स हो, जैसे अभी ये बात कर रहे हैं, स्किलिंग हो या मेंटल काउंसलिंग हो, इसके लिए सामने आते हैं, तो सब मिलके अगर अपना योगदान करें तो उनको रिहैबिलिटेट करना मुझे नहीं लगता मुश्किल है। और स्पेशली भारत देश जहाँ 85% ऑफ द टोटल विक्टिम्स होते हैं, यहाँ तो सबने आगे आके ये करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अनिल सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमेशा सोशल कॉज से जुड़ते हैं, ये कॉज कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? क्योंकि जैसे इस शो का नाम है गिफ्टिंग स्माइल और एसिड अटैक सर्वाइवर्स है वो भी यहाँ पर है, कितना कितना स्पेशल होगा ये आपके लिए?
सी इट्स नॉट अबाउट मी द फैक्ट है जैसे अमिताभ भाभी ने कहा इट्स ऑल अबाउट द जॉनर ऑफ दीज पीपल हु हैव टू बी एक्नॉलेज्ड एंड टेकन फॉरवर्ड आज जो तेजाब फेंकता है वो ये सोचता है कि उनकी जिंदगी वहाँ रुक गई है या ठहराव आ जाएगा बट हम ये बिलीव करते हैं कि वो जिंदगी वहाँ शुरू करती है लड़कियाँ इट्स दैट न्यू बिगनिंग न्यू एरा फॉर देम तो दे शुड बी एनकरेज एंड टेकन फॉरवर्ड टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज इट्स पीपल अराउंड द सोसाइटी जैसे लक्ष्मी जस्ट कोटेड दैट कि सबसे ज़्यादा समाज उनको परेशान करता है तो आज हमारी ड्यूटी है हम इंश्योर करें कि उनको जितनी हम सहूलियत दे सकें वो दी जाए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मनमोहन जी को कि मुझे भी उसके लिए उपयुक्त समझा मुझे बुलाया हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक प्रकार की मानसिक विकृति है और ये विकृति पहले ना समाज में इसके लिए सबको काम करना चाहिए और जिन लोगों के ऊपर एसिड अटैक हुआ है उनके तरफ देखने का नज़रिया भी समाज का है जो बदलना बहुत ज़रूरी है और आपको आश्चर्य होगा जानकर के कि एक एक अटैक में इतने मल्टीपल सर्जरीज करने के बाद भी नॉर्मलाइज नहीं होता है और उनको हमेशा एक हीन भावना उनके मन में रहती है कि मेरा चेहरा ठीक नहीं है लोग किस तरह से मुझे देख रहे हैं तो वो जो अंदर से हिम्मत है उनकी वो टूटे नहीं इसके लिए हमको पूरी तरह से एकजुट होकर के काम करना पड़ा मैडम ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने काफ़ी इसमें बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं लेकिन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से बहुत करीबी मेरा रिश्ता पिछले कई सालों से रहा है और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कम से कम महाराष्ट्र में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए हम काफ़ी अवेयर हैं कानून के बारे में अवेयर हैं और समाज भी काफ़ी दूसरे प्रदेशों की तुलना में काफ़ी हम लोग ऊँचे स्तर पर हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि आज के इस प्रोग्राम से और उसको आप प्रसिद्धि देंगे तो बहुत बड़ा एक सामाजिक काम होगा लेना नहीं चाहता है तो मैं
मैं ये बोल रही हूँ कि हम लोग लेडीज ही एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों गए वहाँ पे कॉफी देने, लखनऊ में ओपन हुआ है, तो वाइफ बोली नहीं हम लोग को यहाँ नहीं जाना है, हम और कहाँ जाएंगे। तो मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि ये लोग इतना अच्छा प्यार से देना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, अभी जो हो गया है इसको तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, पर हम लोग थोड़ा सा भी उनको सपोर्ट करेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएगी लड़कियाँ। और इन्होंने जो इतना पहल किया है और मैं प्राउड फील करती हूँ कि आज मुझे यहाँ आने के लिए मिला है, आज पर्सनली मिली हूँ, टीवी पे और सब देखती थी पर आज पर्सनली मैंने देखा। तो एक ऐसी चीज़ हो रही है कि मनमोहन जी, मंजू जी, इन्होंने जो भी सब लोग ने लिया है तो मैं भी उनके साथ हूँ, कभी भी मेरा कुछ भी खुला नहीं, भी जो है